मिनटों का नहीं घंटों का खेल रह गया। बड़ी ईद का रिवाती जोशो खरूज उरूज पर पहुंच गया। जानवरों की खरीदार के लिए मवेशी मंडियों में रश, खरीदार देखकर व्यापारियों ने आंखें माथे पर रख ली। मुंह मांगे दामों की गर्दान, खरीदार हैरान परेशान। भावताओ बहस तकरार का तूफान, खूबसूरत बांके सजीले छल छबीले जानवर देखने के शौक में बच्चे भी मंडियों में पहुंच गए। NWMC ईद पर क्लीन लाहौर के लिए पुरास। मवेशी मंडियों में वेस्ट बैग्स की मुफ्त तकसीम से ईद सफाई मुहिम का आगाज। शहर की 12 मवेशी मंडियों में कैंप्स कायम कर दिए गए। CEO राफिया हैदर का शहरियों को आलाशी ठिकाने लगाने के लिए बैग के इस्तेमाल की तरकीब। आलूद हो गया, ठंडी हवाएं चल पड़ी। गर्मी और हफ्ते सताए लाहौरियों को सुख का सांसा गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री रहेगा। बड़ी ईद पर लेसो का बड़ा ऐलान। ईद के तीनों रोज लोड शेडिंग का नाका, नॉन स्टॉप पावर सप्लाई का वादा। बारिशों की सूरत फॉल से निपटने के लिए स्पेशल टीमें भी मुकर्रर। अमला को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। बल्दियाती इदारे बहाल न करने से मुतालिक समाप्त। हुकूमत ने हाईकोर्ट में जमा कराया जवाब वापस ले लिया। इदारों की बहाली के लिए तश्कील दी गई कमेटियों का नोटिफिकेशन पेश कर दिया गया। अहम समाप्त पर चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात अदालत पेश। जस्टिस आशय मलिक ने प्लान ऑफ एक्शन पर अमल दरामद के लिए 28 जुलाई तक मोहलत दे दी। एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए फंड के इस्तेमाल का हुक्म भी वापस। तरक्याती फंड के इस्तेमाल पर पाबंदी बरकरार। खरीद की सवारी एक बार फिर महंगी। होंडा मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा। CD70 2400 इजाफे से 86,900 रुपए की हो गई। 3,000 इजाफे से CD ड्रीम 93,500, 70 ब्राइट 1,20,500 रुपए की हो गई। CC 125 की कीमत भी 3,000 का इजाफा, नई कीमत 1,42,500, जबकि CB 150 5,000 इजाफे से 2,64,000 की हो गई। कोरोना रफ्ता रफ्ता और ड्रोना। 24 घंटों के दौरान 6 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। 186 नए केसेस आ गए। मुस्बत केसेस के फैलाव की शरह 2.7 हो गई। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को प्राइवेट कॉलेजेस से इलाहा की इजाजत गैर कानूनी करार। हायर एजुकेशन कमीशन ने पंजाब हुकूमत की पॉलिसी मुस्तरद कर दी। सिर्फ मंजूर शुदा सब कैंपसेस में ही दाखिल की इजाजत है। इलाहा शुदा कॉलेजेस की डिग्री गैर कानूनी होगी, कमीशन ने खबरदार कर दिया। हसान न्यासी की सेशन कोर्ट में ताखीर से आमद। अदालत ने 7 अगस्त तक जमानत मंजूर कर ली। वजीर आजम के भांजे के खिलाफ थाना इस्लामपुरा में खातून पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज है। CCP ऑफिस में इमदादी रकम तकसीम की तकरीब। 63 अहलकारों ने स्कॉलरशिप, जहेज और इनामी रकम के चेक तकसीम किए गए। तकरीब में DIG साजिद दयानी, SSP एडमिन वकाश शेख ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उमर सुहेल जियाबर की आज सालगिरह। साबिक MNA की सालगिरह के मौके पर लीगी रहनुमा कारकुनान की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात का सिलसिला जारी। कौमी वेट लिफ्टर तलहा भट्ट को टोक्यो ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए तमगे की उम्मीद। गैर मामूली सलाहियतों के हामिल वेट लिफ्टर को कॉन्टीनेंटल कोटा पर ओलंपिक में शिरकत की इजाजत मिली। तलहा भट्ट को वालिदा की कोचिंग पर एतमाद, अपसेट करने के लिए पुरास। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान का एजाज। 3 पाकिस्तानी हॉकी टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में शामिल। ओलंपियन ताहिर जमान, जाहिद अली और गुलाम फौज 24 जुलाई से शुरू होने वाले इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। और नौजवान गुलकार नुमान अली का नया गाना, जैमिंग सेशन में परफॉर्मेंस। गिटारिस्ट बोबी अली, हसन अली और दीगर आर्टिस्ट ने महफिल को चार चांद लगा दिए।